गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेंडमेंट टू द चार्टर, यूएनए चार्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन। यानी अगर बाय द वे यूएनए चार्टर में संशोधन करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो यूएनए चार्टर को अगर देखा जाए तो इसके लिए दो आर्टिकल्स में यूएनओ के चार्टर के अमेंडमेंट के बारे में प्रोसीजर बताया गया है। वो आर्टिकल है 108 और 109। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की दो प्रक्रियाएं हैं। नंबर वन, ऑर्डिनरी प्रोसीजर। ऑर्डिनरी प्रोसीजर जो है वो यूएनओ चार्टर आर्टिकल 108 में है, और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर जो है वो यूएनओ चार्टर आर्टिकल 109 में, जबकि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंट नहीं है। जैसे अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रूट किया होगा आर्टिकल 368, जिसमें तीन तरह के अमेंडमेंट की बात करता है, एक सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी एंड 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर दो तरीके अपनाए गए हैं, एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर यानी सामान्य प्रक्रिया जो कि यूएनओ चार्टर आर्टिकल 108 में है, और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर यानी विशेष प्रक्रिया। ऑर्डिनरी प्रोसीजर में आर्टिकल 108 में यह प्रोविजन है कि यूएनओ चार्टर में अगर अमेंडमेंट होना है, क्योंकि एक होता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि ऑर्डिनरी या प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल, तो जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है, जो समान प्रक्रिया है, इसमें जनरल असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी यानी महासभा के 2/3 बहुमत के द्वारा और सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबरों के कंसर्निंग वोट के द्वारा जो है उस पर अमेंडमेंट हो जाएगा। यानी इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबरों की जरूरत नहीं होती, यानी अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 108 क्लास 2 में यह प्रोविजन है कि वो अमेंडमेंट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबरों का कंसर्निंग और प्लस 5 परमानेंट मेंबरों का कंसर्निंग वोट जब तक नहीं होगा, जब तक सहमति नहीं होगी, तब तक चार्टर में किया गया कोई भी अमेंडमेंट वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर यानी विशेष प्रक्रिया। विशेष प्रक्रिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, विशेष प्रक्रिया यानी यूएनओ चार्टर में अगर कुछ आर्टिकल्स में, अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें ये कहा गया है कि जनरल असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी प्लस सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबरों का कंसर्निंग वोट प्लस ऑल 5 परमानेंट मेंबर का, पांचों का कंसर्निंग वोट होना मस्ट है, तभी चार्टर में अमेंडमेंट किया जाएगा। देखिए इसमें भी आपने देखा जनरल असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी, इसमें भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है। इसमें जो जनरल असेंबली का 2/3 मेजॉरिटी कंसर्न चाहिए तो इसमें ऑल मेंबरों को प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उसमें 2/3 मेजॉरिटी वोट होना चाहिए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है तो इसमें ऑल मेंबर ऑफ यूएनओ, ऑल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर हैं
उन सभी मेंबरों को, उन सभी मेंबरों का 2/3 मेजोरिटी। इसमें क्या है, सारे मेंबर्स को प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उनमें से 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि वो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है तो इसमें ऑल मेंबर ऑफ यूएनओ या ऑल मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, यानी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 194 मेंबर हैं यूएनओ चार्टर में, सॉरी यूएनओ के, तो उनमें टोटल, यानी इसमें महाअधिवेशन की बात करता है, महासम्मेलन की बात करता है, तो महासम्मेलन का मतलब होता है जितने मेंबर हैं यूएनओ के उनमें 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। और इसमें ऑर्डिनरी प्रोसीजर में क्या है कि जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उनमें 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। और इसमें क्या है कि ऑल 5 परमानेंट मेंबरों का कंसर्न की जरूरत नहीं है, जो सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट सदस्य हैं उनका सहमति होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो है ऑल 5 परमानेंट मेंबरों का कंसर्न होना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है। अगर सहमति नहीं होगी, अगर एक भी मेंबर ने नेगेटिव वोट कर दिया तो यूएनओ चार्टर में अमेंडमेंट नहीं होगा। इसमें क्या है, अमेंडमेंट हो जाएगा, यानी 5 परमानेंट मेंबरों की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरों की कंसर्न की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर वही आर्टिकल 108 क्लास 2 में यह प्रोविजन है कि वो अमेंडमेंट तभी वैलिड माना जाएगा जब सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबरों का कंसर्निंग वोट और प्लस 5 परमानेंट मेंबरों का जब तक कंसर्न नहीं होगा, जब तक सहमति नहीं होगी, तब तक चार्टर में किया गया कोई भी संशोधन वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर में क्या है कि संशोधन करते वक्त ही सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबरों का कंसर्निंग प्लस ऑल 5 मेंबरों का कंसर्निंग कोर्ट होना मस्ट है। देखिए, अगर हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेट्यूट्स आर्टिकल 70 को, तो उसमें भी यही कहा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टेट्यूट्स में अमेंडमेंट संशोधन, अगर उसमें भी संशोधन करना है तो उसमें कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। केवल आर्टिकल 70 में ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि स्टेट्यूट्स में संशोधन उसी प्रक्रिया से होगा, उसी तरीके से होगा जैसे यूएनओ चार्टर में संशोधन किया जाता है। यानी कि उसमें भी अगर संशोधन करना होगा तो उसमें भी दो प्रक्रिया है, एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर जो कि आर्टिकल 108 में है और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर जो कि आर्टिकल 109 में है। तो फिलहाल ये शॉर्ट नोट आता है, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।